मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस कार को पूरे एक साल हो चुके हैं कि थर्ड सर्विस है, जो मेजर सर्विस होती है वो भी ड्यू है। तो आज मैं अभी निकल रहा हूँ ये थर्ड सर्विस के लिए, और मैंने सोचा क्यों ना ये जो वीडियो है को रिकॉर्ड किया जाए, पूरा जो एक्सपीरियंस रहेगा थर्ड सर्विस का और आपके साथ शेयर किया जाए। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्विस होनी, नाम बता दीजिए। हिमांशु जोशी। ठीक है सर, चलिए। तो मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया हूं, गाड़ी लाइन से लग चुकी है, मेरा फोर्थ नंबर है। फिल्टर चेंज होगा, व्हील अलाइनमेंट रहेगा इसमें, व्हील बैलेंसिंग रहेगा और स्कैनिंग रहेगी। तो ये सारे मैंडेटरी हैं या इसमें कुछ चीजें ऑप्शनल भी हैं? सर इसमें देखिए, ऑप्शनली और मैंडेटरी दो चीजें होती है। ऑप्शनली तो आपका इंजन ऑयल भी है। नहीं नहीं, बट वो तो मुझे पता नहीं, नहीं। हाँ, ये सारे ऑप्शनली है, जैसे हम साइलेंसर कोटिंग, ड्राई क्लीन वगैरह करते हैं, वो ऑप्शनली रहता है, लेकिन ये एक शेड्यूल का हिस्सा है आपकी गाड़ी के। अच्छा, अच्छा, बाकी जो दो तीन, कौन सा फिल्टर है ये? एयर फिल्टर है ना, एसी फिल्टर कहते हैं इसको। एसी फिल्टर अंदर होता है, अंदर होता है ना वो। अच्छा। अभी थोड़ी जब गाड़ी का काम हो जाएगा उसके बाद करूंगा, फिर आपको बता दूंगा। तो ये भी हमारा एयर फिल्टर हो गया, इसको साफ कर रहे हैं आप। हाँ। तो ये मेरा साइलेंसर है नेक्सॉन कार का, और इसमें थोड़ा सा रस्ट हो रहा था, तो मैं इसमें भी एंटी रस्ट कोटिंग भी करवा रहा हूँ सर्विसिंग के साथ साथ। ये देखिए, इस पर एक मार्क्स अच्छे से खिंच रहे हैं। इसको घिसने के बाद इस पर पूरे यहाँ से लेके पूरे स्पार्ट पे वॉश करेंगे, और उसके बाद कोटिंग की जाएगी, ताकि जो मेरी कार का जो साइलेंसर है वो रस्ट से बचा रहे। तो भैया लगा रहे हैं अभी ऑयल फिल्टर। इंजन ऑयल, तो अभी आप क्या चेक कर रहे हो? इंजन ऑयल, ये गेज के यहाँ तक होना चाहिए। तो ठीक है, मतलब हाँ। और ये गेज इधर लगा, इसी में लगा हुआ होता है। अभी इंजन ऑयल का गेज के थ्रू सैंपल लिया है कि हम लोग भी चेक कर सकते हैं। अगर गेज से हमने चेक किया, काफ़ी चिपचिपा हो रहा है, काला कलर हो गया इंजन ऑयल का, तो आपको इंजन ऑयल चेंज करना है। मेरी अभी नेक्सॉन कार के जो टायर्स हैं उसका वेट बैलेंस इन लोगों ने कर लिया है, और यहाँ पे जो मेरी गाड़ी का सर्विसिंग कर रहे हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि जो टायर आपके पहले पीछे लगे थे उनको आगे कर देंगे, और आगे वाले टायर को पीछे कर देंगे। अच्छा, पहले आपने यहाँ पे ये लगाया, हाँ, फिर ये लगाया, हाँ, फिर ये तो क्रॉस में, क्रॉस में जल्दी सही बैठेगा, सही बैठ जाता है, फिट बैठता है सर। अभी जब हम मशीन से कसेंगे उसमें भी हम क्रॉस से ही कसेंगे। अच्छा, एसी फिल्टर पुराना वाला एसी फिल्टर है, और अब इसके जगह पे नया एसी फिल्टर लग रहे हैं। अलाइनमेंट बचा, व्हील अलाइनमेंट बचा हुआ ना भैया, हाँ। वो सब अभी हम करेंगे। कार की वॉशिंग भी है और अंदर से वैक्यूम भी है, बट मैंने कुछ दिन पहले पूरी गाड़ी को अंदर से वैक्यूम क्लीनर से क्लीन किया है, तो मैं बाहर अपनी खाली गाड़ी का वॉश कराऊंगा एक्सटीरियर में। उसके अलावा क्योंकि क्या है, मेरी गाड़ी में नीचे 70 लगा हुआ है मैट, तो उसको निकालने में और फिर उसको वापस लगाने में बड़ी बड़ी मुसीबत होती है। तो गोला गणपति टाटा मोटर्स का जो सर्विस सेंटर है, ये बेसिकली वॉशिंग एरिया है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है, डेंटिंग पेंटिंग यहाँ पे होती है, और ये वाले, ये पूरी वर्कशॉप है जहाँ पे सर्विसिंग होती है। आगे वाला जो पार्ट है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, शोरूम है बेसिकली। एरिया काफ़ी बड़ा है अगर आप देखो ना, तो काफ़ी स्पेस है। ये देखिए अंदर से पूरी वर्कशॉप को। मेरी कार का व्हील अलाइनमेंट हो रहा है, सर्विसिंग हो गई है, और ये बहुत सारी गाड़ी राजू तो साइलेंसर वाला पार्ट है, और उसका जो पूरा पाइप है मेटल का, उसको रस्ट से बचाने के लिए पूरी की पूरी कोटिंग कर रहे हैं। ये कोटिंग होगी पूरी, हो रहा है।
वाइपर शैम्पू है, शीशा साफ करता है। अरे ये भैया मिलता नहीं है टाटा के पास में, खरीदना हो तो होता है क्या ये? हाँ अरे मैं इसको बड़ा ढूंढ रहा था, कितने का आता है ये, मुझे चाहिए था वैसे। 40 रुपये का है ये, मिल जाएगा यहाँ से अगर अलग से लेना हो तो। ठीक है तो मैं अभी मांग लेता हूँ। EMS चेक हो रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देगा। फाइनली मेरी कार की जो मेजर सर्विस थी, थर्ड सर्विस, वो हो गई है और ये पूरा वीडियो आपने देखा, थैंक यू सो मच। एक बार मैं आपको इसका प्राइसिंग बता दूँ, जो इसमें खर्चा आया मेरा मेरी पहली मेजर सर्विस में, थर्ड सर्विस में, वो आया है मेरा 4,765 रुपीस। इसमें से दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो ये कि 1,080 के आसपास तो मेरा वो हो गया जो मैंने एंटी रस्ट करवाया हुआ है लेंसर के ऊपर, वो आपकी चॉइस है, आपको करवाना नहीं करवाना। मुझे था कि मुझे लगा कि यार वो इंपॉर्टेंट चीज़ है और करने के लिए घर में भी कर सकते हो वो आप मंगा के, लेकिन फिर गाड़ी को उठाने के लिए दिक्कत है वो, तो मैंने इसको यहाँ पर करा लिया था, तो वो आपकी चॉइस है। उसके अलावा मैं, मेरी जो थर्ड सर्विस थी उसमें 2 मंथ्स डिले था, तो मुझे लेबर चार्जेस भी देने पड़े और जो भी GST वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो इसीलिए मेरा जो, अगर मैं इसको बोलूँ, 3,500 के आसपास मेरा खर्चा आया है थर्ड सर्विस में, विच इज़ मुझे लगता है क्वाइट गुड। आपने देखा किस तरह सर्विस करी उन लोगों ने। तो ये दोस्तों मेरा ओवरऑल वीडियो था, आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मे बी ये जो मेरा एक्सपीरियंस था कार सर्विस के लिए शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो। और उसके अलावा दोस्तों एक बेल आइकन भी दिखाई दे रहा होगा आपको इस वीडियो के बॉटम में, राइट साइड में आपके, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अभी के लिए अलविदा कहता हूँ, बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।